तो स्वागत है आपका ज्ञान सरल के नए वीडियो में। मेरा नाम अभिषेक खरामी और आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन फ्रॉड या ऑनलाइन स्कैम के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जमाना बदल रहा है, धीरे धीरे हर वो प्रोसेस जो हम खुद जाके किसी दफ्तर के बाहर, किसी बैंक के बाहर खड़े होकर करवाते थे, अब वो ऑनलाइन हो चुका है और घर बैठे ही बिना किसी लाइन में लगे आप उसे अपने फोन के थ्रू या लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू कर पा रहे हैं। तो इस जमाने में जहाँ हर चीजें ऑफलाइन से ऑनलाइन हो रही है, जहाँ पे नौकरी के एप्लीकेशन से लेकर के आपके बच्चे की एडमिशन तक सब कुछ ऑनलाइन है, तो ऐसे में चोरी और धोखाधड़ी वाले लोग जो है वो भी अब आपको ऑनलाइन ही झांसा देते हैं। तो ऐसे टाइम पे ये जरूरी है कि जब भी हम अपना डिटेल, पर्सनल डिटेल या किसी पैसे का लेन देन ऑनलाइन करें तो उसमें सतर्क रहें। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे कुछ कॉमन जो चल रहे स्कैम्स चल रहे हैं, फ्रॉड चल रहे हैं, उनके बारे में कि कैसे वो लोगों को झांसा देते हैं और उनका पैसा या जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो चोरी कर लेते हैं, और इनसे बचे कैसे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड करने के लिए जो ये स्कैमर्स होते हैं ये बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, और बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के साथ ये नए नए तरीके इजाद करते रहते हैं जिससे लोगों को धोखा दिया जा सके या उनके पैसे चुराए जा सके। इन तरीकों का कोई कैटेगरी नहीं होता, पर इस वीडियो में आपको ज्यादा आसानी से समझ आए इसके लिए मैं इनको दो पार्ट में डिवाइड करूँ। पहला वो पार्ट है जहाँ पे हमें कोई कॉल, मैसेज या मेल आता है और हमसे जानकारी मांगी जाती है, और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे कोई ऐप के थ्रू हमसे कोई ये नहीं बोलता कि आप ये जानकारी डालें, बस हमसे ऐप इंस्टॉल करवाते हैं और उसके बाद हमारा डेटा चोरी कर लेते हैं। तो चलिए अब इसे इलैबोरेट करते हैं। तो कॉल से चोरी, आप में से कई ऐसे होंगे जिनके पास कभी ना कभी कोई कॉल आया होगा जिसमें आपको ये बताया होगा कि शायद आपका लॉटरी निकल आया है ऐसे किसी गेम में जो आपने कभी खेला ही नहीं, कहीं आपने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया, बट आपकी लॉटरी निकल आई है, आप इतने लकी हो। और फिर कुछ ऐसे कॉल होते हैं कि आपने कभी नौकरी के लिए कहीं अप्लाई किया था, या ऐसे वेबसाइट जैसे शाइन और इंडीड में आपने प्रोफाइल बना के रखा है और वहां से आपको कॉल आ रहा कि सर आपका ये जगह पे जॉब लग चुका है, बट पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए प्रोसेसिंग फीस आपको पहले हमें ट्रांसफर करना होगा, उसके बाद पहली सैलरी में हम आपको वापस कर देंगे या ये लग जाएगा जैसा भी। इसके साथ ही एक नया आजकल फैशन चला है कि कोई लड़की का कॉल आता है कि अंकल या भैया मैं यहाँ फंस चुकी हूँ और मुझे जाने के लिए इतने पैसे चाहिए, आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए यहाँ पे, मैं घर जाके आपको दे दूंगी, या कोई भी ऐसा रैंडम सा सिंपथी गेन करने वाला कॉल। तो पहली चीज, आप इतने लकी नहीं है, इतने लकी तो बिल्कुल नहीं है कि आपने कोई चीज में पार्टिसिपेट नहीं किया बट रैंडमली आप सिलेक्ट होके जीत गए। दूसरा कि जॉब वाले में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जो आपसे पहले प्रोसेसिंग फीस मांगे कि आपको ये चीज चाहिए, ऐसा जॉब चाहिए, तो हमें पहले इतने रुपए दीजिए तभी आपका जॉब लगेगा, ऐसा कभी कोई नहीं होने वाला। तीसरा, सिंपथी वाले में अगर आपको फिर भी मन है, हो सकता है कोई सच में फंसा हो, ये आपके दिल में आ रहा है, तो जब तक आप उसे क्रॉस वेरीफाई ना कर दें तब तक इसमें आगे ना बढ़े। अच्छा, एक और तरीका भी होता है कॉल से चोरी का, जिसमें बैंक वाले बन के वो कॉल करते हैं आपको कि अच्छा मैं फलाना बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ और आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, अगर उसे खुलवाना है, या आपका अकाउंट हम बंद कर रहे हैं, कोई भी ऐसा सड़ा सा रीजन जिसमें आपको डराते हैं। तो अगर आपको अपना अकाउंट चालू रखना है या अपना कार्ड चालू रखना है तो उसके लिए आप ये फलाना ओटीपी दे दीजिए मुझे या ये जानकारी मुझे दे दीजिए। तो ऐसे कॉल्स जो होते हैं उसमें कभी भी ना कोई ओटीपी शेयर करें, हालांकि ओटीपी तो कभी शेयर ना करें किसी भी दूसरे पर्सन से, और ना ही उनसे जो भी वो डिटेल मांग रहे, कार्ड का डिटेल या कुछ भी, वो कभी शेयर ना करें। और अगर आपको कुछ शेयर करना है तो आप उनके साथ गाली शेयर कर सकते हैं उनके साथ, लेकिन कोई भी पर्सनल डिटेल ना दें। अच्छा, अब अगर सच में आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है या सच में आपको बैंक से कोई परेशानी है, तो उसके लिए आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके वहां से फोन नंबर निकाल कर उनके कॉल कर सकते हैं, या खुद से बैंक जाके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बैंक आपसे कभी भी ओटीपी या कोई भी पर्सनल डिटेल फोन पे नहीं मांगता। तो अच्छा दोस्तों, अब हम बात करते हैं ईमेल या एसएमएस के थ्रू जो फ्रॉड किया जाता है उसके बारे में। तो
जो ईमेल और एसएमएस के थ्रू जो फ्रॉड होता है उसमें एक चीज बहुत कॉमन होता है कि इसमें एक लिंक, एक अटैचमेंट या एक फोन नंबर होता है, क्योंकि सिर्फ ईमेल भेज देने से या एसएमएस आपको कर देने से वो आपका पैसा या डिटेल नहीं चुरा सकते। उन्हें ये चीज चाहिए कि आप उस मैसेज को पढ़ें, या तो उससे आप डरे या उससे बहुत आकर्षित हो जाए कि वाह लॉटरी लग गया, आपके मन में लालच जागे, और आप उस लिंक को क्लिक करके या उस बंदे को कॉल करके वहां जाके अपना इन्फॉर्मेशन दें। तो ऐसी चीजों से हमेशा बच के रहें। ये बहुत तरह की होती है और जनरली बिल्कुल डुप्लीकेट बनाई जाती है, जैसा मैसेज जो कंपनी है या बैंक है आपको डायरेक्टली भेजती है उसी का कॉपी बनाया जाता है। अब समझते हैं इसको डिटेल में। आप मान लेते हैं एग्जांपल के लिए आपको एसबीआई की तरफ से मैसेज आया है कि हम कभी ओटीपी नहीं मांगते हैं, हम ये नहीं मांगते, आपने 60 दिन से यूजर आईडी चेंज नहीं किया या पासवर्ड चेंज नहीं किया है, तो आप उसे चेंज कर लीजिए इस लिंक को क्लिक करके। अब बहुत चांस है कि ये लिंक रियल हो और ये भी चांस है कि वो फ्रॉड हो सकता है। तो जब आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं एक वेबसाइट पे। अब बहुत सारे लोग ये ऐसा कहेंगे कि भाई मैं तो जानता हूँ एसबीआई का वेबसाइट कैसा दिखता है, तो मैं हर वेबसाइट में तो डिटेल डालूंगा नहीं। तो ये चीज शायद उनके लिए नई बात हो कि जो भी फिशिंग करता है, जो भी ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, वो लोग पूरा का पूरा वेबसाइट कॉपी कर लेते हैं। मतलब देखने में वो वेबसाइट बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे ऑफिशियल वेबसाइट दिखता है। तो आप जब वहां जाएंगे तो आपको देख के तो लगेगा कि हाँ ऐसा ही दिखता है एसबीआई का वेबसाइट, तो आप फिर वहां डिटेल डालेंगे या जो भी होने चाहिए वो सब डालेंगे और वो आपको लूट लेंगे। तो अब एक चीज समझते हैं कि इससे बचे कैसे। तो इसका सिंपल सा एक जो तरीका है वो ये है कि आप पहला तो कभी भी अगर आपको इतना आइडिया नहीं है कि इंटरनेट पे यूआरएल क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, कैसे इतना जानकारी रखें, तो आपके जो बैंक का जो पासबुक होता है या चेकबुक होता है उसमें हमेशा वेबसाइट दिया रहता है कि ये हमारा फलाना वेबसाइट है, आप इसी पे जाया करो, तो आप तो उसी को पढ़ के जाया करो, उसी को टाइप करो और वैसे ही जाओ। अच्छा, अगर कोई लिंक के थ्रू आप जा रहे हो तो कैसे चेक करें? तो इसका सिंपल सा तरीका होता है कि जो भी ये बड़ी वेबसाइट होती है, जो भी पैसे का या पर्सनल डिटेल का लेन देन करती है, उनके आगे HTTPS होता है। ये S बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाकी वेबसाइट को देखें तो वह HTTP ही होगा, यहाँ पे HTTPS होता है। ये जो S होता है ये होता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर के लिए। तो सिक्योर सॉकेट्स लेयर क्या होता है? ये एक सर्टिफिकेट है, ये बताते हैं कि यहाँ पे जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, डिटेल डाल रहे हो अपना, वो सेफ रहेगा। जो कंपनी का नाम यहाँ लिखा हुआ है URL में, वही कंपनी है ये, कोई फ्रॉड नहीं है। तो आप ये चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ गूगल की तरफ से एक हरे कलर का ताला भी बना होता है उसमें, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी मेथड होते हैं। आप गूगल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट करके एक वेबसाइट होती है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसमें क्लिक करके वेबसाइट का नाम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, तो वो बता देगा कि ये कितना सिक्योर है कितना नहीं है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, बस जरूरत है आप किसी भी वेबसाइट में जाए जहां आप पर्सनल डिटेल्स शेयर कर रहे हो या कोई पैसे का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उसका वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो जरूर पढ़े। अच्छा, अब मेल के अंदर बात करते हैं कि एक चलता है, आपको देखा होगा आपने कि गूगल की तरफ से कभी कभी मेल आते हैं आपको कि आपका पासवर्ड किसी ने 4 बार गलत ट्राई किया है, सेफ्टी के लिए आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर लें, तो इस तरह का मेल आता है। तो उसको ही देख के आजकल बहुत सारे स्कैमर वैसा ही सेम टू सेम मेल करते हैं आपको, जिसमें यही लिखा होता है, बट डिफरेंस ये होता है कि रीसेट वाला बटन दबाने पे आप उनकी वेबसाइट पे चले जाते हैं और जो कि बिल्कुल गूगल की तरह दिखता है, और आप वहां जाकर डाल देते हैं इन्फॉर्मेशन। तो कभी भी कोई भी ईमेल जो आपको किसी दूसरे लिंक पे ले जा रहा है या कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है आपसे, तो उसके सेंडर में, मतलब भेजा किसने है, उसमें आप जाके उसके नाम को जब पढ़ेंगे, अगर जैसे गूगल का केस है तो गूगल वाले में @ के बाद accounts.google लिखा होता है, google.com है ना, तो ये चीज आप चेक कर सकते हैं, इससे पता चल जाएगा कि भेजा किसने है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑनलाइन स्कैमर्स की दूसरी कैटेगरी के बारे में। इस कैटेगरी में जो स्कैमर होता है वो आपसे कोई भी पर्सनल डिटेल नहीं मांगता, आपको वो बस एक ऐप इंस्टॉल करने को होता है। अच्छा, इसमें आगे बढ़ने से पहले दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि कभी भी गूगल प्ले स्टोर और अगर आपके पास आईफोन है तो एप्पल स्टोर, इसके अलावा किसी भी अदर सोर्स से ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। दूसरा, कभी भी आपको किसी कंपनी के कस्टमर केयर पे बात करना हो या उनको मेल करना हो, तो इसके लिए गूगल सर्च ना करें,
उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाए और वहाँ कॉन्टेक्ट अस करके पेज होता है, वहां जाके आपको ये डिटेल मिल जाएगी और वहां से करें। अब ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे चल के एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। तो अब जानते हैं कि कौन से वो एप्स हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये नहीं जानते होंगे कि ऐसे भी एप्स मौजूद है जो दूर बैठे किसी आदमी को पूरी तरह से आपका फोन का एक्सेस दे दे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं AnyDesk और TeamViewer। तो ये जो ऐप होते हैं एक्चुअली ये ऐप मीटिंग्स के लिए यूज किया जाता है, प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती हैं, जहां एक एम्प्लॉय बैठ के दूसरे एम्प्लॉय के साथ में काम कर सकता है, उसे कुछ भी शेयर करना होता है या अपना स्क्रीन दिखाना होता है तो सामने वाले के साथ वो TeamViewer आईडी या AnyDesk आईडी शेयर करता है और वो बैठ के दोनों एक दूसरे का स्क्रीन देख सकते हैं। तो ये इस काम के लिए था, बट कुछ स्कैमर इसे इस्तेमाल करते हैं आपका डेटा या आपका पैसा चुराने के लिए। अब सारी चीजों को समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैंने किसी कंपनी से या किसी वेबसाइट से कोई सामान ऑर्डर किया, अब आगे चल के वो सामान मुझे नहीं चाहिए बट मैंने पैसा पे कर दिया था, तो अब मुझे पैसा रिफंड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जाके गूगल सर्च करूंगा कि भाई कस्टमर केयर ऑफ दिस वेबसाइट। तो सबसे पहली गलती तो ये कि मैंने गूगल सर्च किया ना कि कॉन्टेक्ट अस में जाके खोजा नंबर। अब वहां पे किसी स्कैमर ने गूगल को पैसे देके ऐड के फॉर्म में अपना नंबर ऊपर चला के रखा था कि जब कोई ये सर्च करे तो मेरा नंबर ऊपर है। अब मैंने वो नंबर पढ़ा और उस पर कॉल लगा लिया। अब कॉल लग जाता है स्कैमर के पास, स्कैमर मुझे समझाता है कि हाँ सर बताइए ये परेशानी। अच्छा ठीक है, मुझे आपकी कोई डिटेल नहीं चाहिए, बट एक काम कीजिए आप AnyDesk करके एक ऐप है उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन में, उसके बाद मैं आपको पे कर दूंगा, मतलब मैं यहाँ से प्रोसेस चालू कर दूंगा। अब मैं वो AnyDesk ऐप डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, उसके बाद वो मुझसे पूछेगा कि सर आपका आईडी बता दीजिए मुझे। अब ये तो मेरा कोई पर्सनल डिटेल लगेगा नहीं मुझे, और मैं वो आईडी शेयर करूँ क्योंकि ये मुझे पैसे रिफंड दिलाएगा ना। अब जैसे ही मैं वो आईडी शेयर करूंगा मुझे पता भी नहीं चलेगा, बट मेरा पूरा का पूरा स्क्रीन जो है फोन का स्क्रीन वो उसके सिस्टम में, उसके मोबाइल या लैपटॉप में जहां भी यूज कर रहा वहां पे वो कॉपी हो जाएगा। तो वो जो चीज एक्सेस करना चाहे, चाहे वो मेरे SMS में जाके मेरा OTP चुरा सकता है, चाहे मेरे UPI में जाके वहां से डिटेल्स ले सकता है, या हो सकता है मुझे छोटा सा पेमेंट करने बोल दे वो, जिसमें जब मैं पासवर्ड डालू तो उसके स्क्रीन में भी दिखे कि मेरा पासवर्ड या UPI पिन क्या है। तो इस तरह उसके पास सारा डिटेल बिना मेरी जानकारी के पहुंच जाएगा और उस डिटेल को यूज करके पूरे के पूरे पैसे चोरी कर लेगा। तो ऐसे तरीकों से ऐप इंस्टॉल करवा के या ऐप के थ्रू ये लोग स्कैमर जो होते हैं वो पैसे चुराते हैं। तो कोशिश यही करें कभी भी किसी के भी बोलने पे कभी भी कोई ऐप इंस्टॉल ना करें, और किसी का भी पेमेंट रिक्वेस्ट अगर आया है तो उसमें ध्यान दें, उसमें लिखा होगा कि ये रिक्वेस्ट है और आप ये करने के बाद पे करने वाले हो तो वो चीज आगे ना करें। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसके साथ ही इस वीडियो को अपने मम्मी पापा या दूर के रिश्तेदार जिनको भी शेयर करना है उनके साथ शेयर करें, ताकि वो भी भले ही वो थोड़े से टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे ही क्यों ना हो लेकिन ऑनलाइन स्कैम या फ्रॉड से बच सके, और वो कॉल वाले को गाली देना वो भी याद रहे उनको। तो इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज थम्स अप दें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं कोशिश यही करता हूँ कि हर वीक एक नया वीडियो ला सकूँ जिससे आपको कोई नई जानकारी मिले या आपका एंटरटेनमेंट हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।